हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं व्हिप्ड क्रीम की रेसिपी, जो हम घर के दूध से, जो रोजाना दूध हमारे घर में आता है, हम उसी से ही बनाएंगे, क्योंकि बाहर का जो व्हिप्ड क्रीम है वो हमें बहुत महंगा मिलता है। तो उसी से ही आप बिना खर्च किए आप घर के ही दूध से कैसे व्हिप्ड क्रीम बना सकते हैं, मैं इस रेसिपी में आपको ये बताऊंगी। तो चलिए हम देख लेते हैं कि ये रेसिपी हम कैसे बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं जो मैंने व्हिप्ड क्रीम बनाया है, मैं उसे व्हिप करके आपको दिखाती हूँ। और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर इतना अच्छा है और ये कितने स्मूथली व्हिप्ड हो रहा है, और वो भी शेप उसका जो है वो स्टेबल रह रहा है। तो चलिए मैं आपको बता दूँगी कि आगे कि आप घर का रोज़ाना दूध से ही ये कैसे बना सकते हैं। बहुत ही आसान है, कुछ मिलाना नहीं है, और आप देख सकते हैं ये कितनी परफेक्ट व्हिप्ड क्रीम बनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 लीटर दूध, जो मेरे घर में रोज़ाना आता है। मैंने इसे गर्म करने के बाद थोड़े रूम टेम्परेचर में आने दिया, और उसके बाद मैंने इसे फ्रीज में रखा था। मैंने इसे डीप फ्रीज़र में नहीं रखा था, फ्रीज में रखा था, और कुछ 4 से 5 घंटे के बाद मैंने इसे निकाला है। और आप देख सकते हैं इसके ऊपर आपको मलाई दिख रही है। तो मैं साइड में लूँगी एक छलनी, जिससे हम आटा छानते हैं या फिर इस तरीके से, और उस सीफ के, मतलब स्पैचुला की हेल्प से मैंने ये मलाई निकाल दी है। तो अब हमें क्या करना है कि इसे हल्के हल्के हाथों से, आप चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्के हाथों से इसे ऊपर नीचे करना है, ताकि जो क्रीम है वो नीचे गिर जाए और ये जो फैट है ये ऊपर रहे। अगर मान लीजिए कि हमने फैट के साथ अगर क्रीम का इस्तेमाल किया, तो ये व्हिप्ड क्रीम बनने से पहले मक्खन बन जाएगा, और मक्खन का टेस्ट जो है व्हिप्ड क्रीम के लिए अगर हम यूज़ करेंगे तो वो अच्छा नहीं आएगा। तो इसी तरीके से आपको हल्के हाथों से इसे ऊपर नीचे करना है। ये सिर्फ़ 1 से 2 मिनट लगेगा इसे करने में आपको, और उसके बाद हम ये फैट को अलग से रख देंगे, जो हम मक्खन बनाते हैं उसके लिए, और जो नीचे जमा हो रहा है वो हमारा क्रीम है। तो इसे ज़ोर से ना दबाए, अदरवाइज़ जो फैट है वो नीचे चला जाएगा और आपका व्हिप्ड क्रीम बनने से पहले वो मक्खन बन जाएगा। तो इसे हल्के हाथों से ही, हल्के हल्के हाथों से ऐसे ही हिलाते रहे, और आपको जब लगे कि इसका क्रीम पूरी तरीके से निकल चुका है और ये थोड़ा ड्राई लगने लगे आपको, जैसे अभी दिख रहा है, तो मतलब समझ जाइए कि अब फैट पूरा जमा हो चुका है, अब क्रीम जो है वो नीचे जा चुकी है, और हमें अब आगे की प्रोसीजर स्टार्ट करनी है। तो मैं नीचे से भी इसे स्क्रैप कर लूँगी, ये देखिए लिक्विड ही निकल रहा है, तो इस तरीके से, और इसे हम रख देंगे साइड में। तो ये जो जमा हुआ है वो हमारा क्रीम है। तो मैं और थोड़ा स्क्रैप करके देखती हूँ इसे, शायद थोड़ा और क्रीम निकल जाए। तो नहीं, देखिए आप इसे हैंड बीटर से भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं है तो अगर आपके पास मशीन अवेलेबल है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बेस में रख दिया है बर्फ। अब इसी तरीके से हमें नीचे में बर्फ़ रखना है, ताकि इसका टेम्परेचर जो है वो लो रहे, और मैं मशीन की हेल्प से कर रही हूँ। मशीन में ये 2 मिनट में ही बन जाएगा, लेकिन अगर आप हैंड से करोगे तो भी वो बहुत जल्दी बन जाएगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप जिस बर्तन में व्हिप्ड क्रीम बनाने वाले हैं, उस बर्तन को आपको फ्रीज में रखना है, फ्रीज़र में रखना है, और उसे कम से कम 30 मिनट तक ठंडा होने देना है। उससे व्हिप्ड क्रीम बहुत जल्दी बन जाती है, और यही चीज़ अगर आप मिक्सर में करेंगे तो भी बहुत जल्दी बन जाएगी। यहाँ पे मैं 1 दिन का मलाई करके आपको दिखा रही हूँ। आप चाहे तो 2 से 3 दिन का मलाई आप जमा कर ले और फिर व्हिप्ड क्रीम बनाए, अगर आप केक के लिए बनाना चाहते हैं। तो इसी तरीके से आपको कंटिन्यूसली इसे विस्क करना है। जो मशीन से मैं व्हिप्ड कर रही हूँ इसे, उसे मैंने हाई पे नहीं, मीडियम पे रखा है। मीडियम पे ही मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ अच्छी तरीके से। इसी तरीके से आपको करना है, और नीचे जो बर्फ़ है उसकी वजह से ये बहुत जल्दी व्हिप्ड हो जाएगा। और अब मैं आपको इसमें मक्खन बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से क्रीम है। तो ये आधा हो चुका है, तो मैं इसका जो साइड है उसे स्क्रैप कर लूँगी, और इस जगह पे, इस कंडीशन में जब ये हाफ व्हिप्ड है, तो आप इसमें आप शक्कर मिला सकते हैं, मतलब चीनी मिला सकते हैं इसमें मिठास के लिए, और अगर आप कोई कलर चाहते हैं मिलाना तो वो कलर भी मिला सकते हैं। मैं इसे ऐसे ही वाइट रखूँगी, आप जिस हिसाब से केक बना रहे हैं उस हिसाब से कर सकते हैं। तो इसे हमें फिर से अच्छी तरीके से व्हिप्ड कर लेना है।
ये वही विप्ड क्रीम है, यही वही क्रीम है जो आप बाज़ार से इतना महंगा लाते हैं, जो आप इजीली अपने घर में भी बना सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से बाज़ार से महंगा क्रीम लाने से अच्छा है कि आप घर में आपके घर का ही क्रीम का इस्तेमाल करें। तो आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे तरीके से विप्ड हो चुका है। तो इसे ऐसे ही हमें विप करते रहना है थोड़ी देर के लिए, जब तक इसकी कंसिस्टेंसी पूरी फ्लफी और एकदम गाढ़ी ना हो जाए। तो अब ये हो चुका है, ये देखिए ये बिल्कुल नीचे नहीं गिर रहा है, ये हो चुका है। तो मैं इसे निकाल लूँगी साइड में। अब आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी स्मूथ हो चुकी है, ये देखिए। तो चलिए अब हमारी विप्ड क्रीम तैयार हो चुकी है। तो ये कोई शेप में आता है या नहीं आता है ये दिखाने के लिए मैं आपको विप्ड क्रीम को विप करके दिखाऊंगी। आप इसे कोई सा भी नोज़ल में नोज़ल यूज़ कर सकते हैं शेप के लिए। और ये देखिए मैं आपको इसे विप करके दिखा रही हूँ, ये देखिए बनाना परफेक्ट विप्ड क्रीम, और वो भी 2 मिनट में, वो भी बाजारों जैसी है ना, बहुत सिंपल और फ्लफी विप्ड क्रीम। तो आप भी ज़रूर बनाएं और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपकी विप्ड क्रीम कैसी बनी। आशा करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। तो अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, हम आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसी के साथ ही स्टे ट्यून्ड, बाय।